हेलो सभी को जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, कैसे उम्मीद करता कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत सारा प्यार दिखा रहे, इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे वीडियो हर प्रकार के आ रहे हैं मोटिवेशन करने वाले। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत भाई बहन जो हमारे करते हैं अपना गोल तो बना लेते हैं, जो गोल जो मतलब उसका लक्ष्य होता है, लेकिन वो अपना लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते। किस कारणों की वजह से नहीं पूरा कर पाते, क्या रीजन इसके पीछे है, वही जानने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करें। कैसे कोई भाई बहन अपना गोल बना लेता है, लेकिन उसके पीछे क्या पांच कारण आते हैं। जैसे पहले मान लिया आपके घर से प्रॉब्लम, या आप वीकली मतलब पढ़ नहीं पाते, उसमें कमजोर है। नंबर 3, किसी ना किसी परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं। नंबर 4, आपकी जो गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम। 4 ये ऐसी प्रॉब्लम है जो आपका जो गोल है वो आगे मतलब टारगेट है आपका आगे नहीं बढ़ने देता। 4 में से किसी ना किसी में एक दो कारण जरूर होता है, इसी चक्कर में वो आगे नहीं बढ़ पाता। अब इसको आप सोच रहे किसे दूर करें। जैसे देखो कोई शराबी आपका आपका यार दोस्त या गांव में आप देखते होगे कि शराब पीते हैं, तो उनकी शराब जो बोलते हैं हमने छोड़ दिया, तो भाई छोड़ती नहीं है, हम मान ही नहीं रहते। हाँ आप भी नहीं होता माने, कम हो सकती। तो आप ऐसे जो आप प्यार मोहब्बत जो दिखाते हैं ये उस पर आप अगर कर रहे हैं प्यार मोहब्बत, तो उसको हम नहीं कहते छूट पाएगी, एक साथ तो नहीं होता कुछ भी, तो कम तो कर सकते ना। अगर लोग शराब पीना कम कर सकते हैं तो आप ये जो ISC कहते हैं उसको क्यों नहीं कम कर सकते ना। अब दूसरा पॉइंट, किसे आपके फैमिली मेंबर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आपका खुद ऐसा आप स्टैंडर्ड बनाओ मतलब कि ऊपर जाने के लिए, कि वो खुद बोले कि हाँ हमारा लड़का कुछ आगे करना चाहता है। आप उनके दिखावे मत करो, लेकिन कुछ करो ऐसा कि वो आपको प्रतीक हो कि हाँ मेरा लड़का आगे भी जाना चाहता है तो मैं आगे उसको भेजूँ। ऐसा नहीं कि आप भारत में फोन पे लगो रहोगे, बात करोगे बाबू सोना, तो कोई घरवाला नहीं कहेगा। घरवाला का यार दोस्त भी कहे नहीं कहेगा, यार तो कमजोर है। किसी की लाइफ में ले लो, हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है आजकल दुनिया में जो बात नहीं करता गर्लफ्रेंड से, सभी की होगी लगभग एक दो छोड़ के, लेकिन वो करते हैं, ऐसा नहीं है कि करते नहीं है। हमने कहता छोड़ दो, लेकिन क्योंकि हर चीज का समय होता है। आप अगर पढ़ाई का समय बनाते उसका भी निकालो, क्योंकि वो भी यार आपकी लाइफ का एक हिस्सा मतलब बन सकती है, बनाना सोचते हो। लेकिन इतना फोकस मत करो कि अपना पढ़ाई छोड़ के आप उस पर फोकस करो, जो चीज़ पे फोकस नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का उद्देश्य यही है कि अपना गोल जो आपने बनाया है उसको आप पूरा करने के लिए जो क्या करना पड़ता है। क्योंकि देखो हमने आपसे समझाया कि 4 मुसीबतें आपके लाइफ में किसी न किसी की लाइफ में होती जरूर है। ऐसे एक आदमी होंगे जिसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, वो आगे सक्सेस हो जाता है, लेकिन आप भी हो सकते हैं। अपना जो गोल बना के चलिए, अब उसको आप पूरा करने के लिए मेहनत भाई करना पड़ेगा। अगर मेहनत करोगे तभी आप आगे आओगे। जैसे हमारे आजकल भाई क्या कहते हैं कि घर पे प्रॉब्लम उनकी हो रही है किसी कारण, तो वो अपना जो गोल होता है वो पीछे में छूट जाता है, जो उनका लक्ष्य होता है वो अपना तय नहीं कर पाते हैं। तो इसके पीछे आप तो उसको पीछा करना छोड़िए। जैसे आप क्या सोचते हैं, जैसे आपको छत पे चढ़ना है तो आप एक सीढ़ी नीचे, वो एक की सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे चढ़ना है तो वो नीचे वाली जो सीढ़ी आपकी है वो नीचे ही रहेगी ना, ऊपर नहीं जाएगी, आपको ही बढ़ना पड़ेगा। तो अब सीढ़ी से ऊपर आप बढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है, तो वो भी आपकी सीढ़ी है। अगर आप सफलता की सीढ़ी है, जैसे कि आप यहाँ पे इस समय हैं, माना यहाँ पे आप हैं, आपको यहाँ पहुँचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में काफ़ी आपकी सीढ़ियाँ आएंगी, आप इधर तो नहीं पहुँच पाओगे यहाँ तक, जैसी बात है। तो आपको इन सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ेगा। अब इन सीढ़ियों से आप होकर गुजरेंगे तो जाहिर सी बात है आप यहाँ तक पहुँचेंगे। अब डायरेक्टली आप सोचोगे जरूर कहीं ना कहीं पे आपको खतरा जरूर होगा, तो इनके बिजनेस सीढ़ियों के बीच में काफ़ी हमारे भाई बहन हैं जो फंसे पड़े हैं। और कुछ भाई बहन तो हमें नीचे सीढ़ियों फंसे पड़े वही फंसे रह जाते हैं, क्योंकि उनका गोल तो बना लिया अपना टारगेट कुछ करने का, कुछ आगे बढ़ने का हौसला बना लिया, लेकिन उनके बुलंद हौसला करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि घर वाले नहीं सपोर्ट करें, खुद से करो, खुद मेहनत करो इतना कि आगे वो खुद सोचे बढ़ने के लिए। कैसे आप यार दोस्त तुम्हारे हैं उनसे बात करो, हमने कहते दोस्ती छोड़ो कम करो, गर्लफ्रेंड है उससे बात करो कम करो, हर चीज़ में अगर कम करोगे इधर आप फोकस ज़्यादा करोगे। 100% मैं कह सकता हूँ, आप भी दावा के साथ कह सकते, अपने फैमिली मेंबर वालों से पूछ लेना, अगर इन चीज़ों में आप फोकस करोगे तो जाहिर सी बात नहीं सक्सेस हो पाओगे। अगर आप इस चीज़ को छोड़ के इस पर फोकस करोगे पढ़ाई को छोड़ के, तो आप इस सिटियाबाजी जो आप ISC बोलते हैं उसको छोड़ के आप पढ़ाई फोकस करोगे तो हमारे समझ से ज़्यादा सक्सेस आपको लाइफ में मिल सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। जय हिंद जय भारत।